हासिल हुई थी। इसी तरीके से बॉलिंग में भी पाकिस्तान की जबरदस्त परफॉर्मेंस जारी है। रिश्ता जेकब ऑरम के दिन का खात्मा और समी इस बार कामयाब हुए, बोल्ड किया जेकब ऑरम को, जहां पर पाकिस्तान जो है वो जीत सेंस कर सकता है। एक बार कासिम ये स्पीड से बीट हुए मोहम्मद समी की, एक बार से भी रही और एक बार मैं कहूंगा स्केच भी हुई, बिल्कुल बिल्कुल नीचे था बॉल समी। और एक और बोल्ड और इस तरह समी छाए हुए हैं, एक ही रफ्तार से और स्पीड से मुतासिर किया और गेंद दंदनाती हुई स्टंप्स के ऊपर और इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ। एक और बैट्समैन का कैनिंग बोल्ड, समी कोई रन नहीं। ये गेरिल बटोरे के विकेट पर मौकूफ है, लेकिन जहां तक समय का ताल्लुक है ये अच्छी लाइन और लेंथ और रफ्तार से गेंदे कर रहे हैं। तीन स्लिप और गली खड़ी कर दी गई ऑफ साइड पर समी, और एक अच्छी गेंद थी उसको अच्छे तरीके से खेले बटोरे और इस तरह वो जो एक मौका पैदा हुआ था हैट्रिक का वो खत्म हुआ। के लिए परेशानी और प्रेशर बरकरार है और गेंद गली में गई और इस तरह बटोरे की इनिंग्स का भी खात्मा हुआ और ये तीसरी विकेट है जो कि सभी को इस ओवर में हासिल हुई है। बटोरी उसको सही तौर पर खेल ना सके और गली में गेंद गया। न्यूजीलैंड 155 आठ विकेटों के नुकसान पर, हिचकॉक बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। समी तीन विकेट हासिल कर चुके हैं इस ओवर में, इस गेंद को ड्राइव किया और बोल्ड हो गए हिचकॉक को। इस तरह ये लगा था चौथी कामयाबी है समी को इस ओवर में, पाकिस्तान को चौथी कामयाबी है। न्यूजीलैंड की ये 9 विकेट गिरी और इस तरह जिस फायरी स्पेल को, जिस यादगार स्पेल को यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं समी, वो यहां पर शायकी ने क्रिकेट को देर तक याद रहेगा। गेंद और गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर और स्टंप्स के ऊपर दंदनाती हुई गई गेंद और इस तरीके से लुढ़कती हुई स्टंप्स पीछे गई और इस तरह ये कामयाबी हासिल हुई समी को। पॉल हिचकॉक बोल्ड समी।